सब्सक्राइब टैग टीवी यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन कोविड कोविड-19 और उससे जुड़ी हुई दुनिया मसाइल वही पुराने के पुराने बल्कि कुछ मसाइल ऐसे हैं जो कोविड 19 के इस जमाने में और गहरे होते जा रहे हैं थर्ड ओपिनियन में हमीद बशानी हर हफ्ते अपनी राय लेकर आते हैं और मैं उनकी राय को फैसिलिटेट करता हूं और हमारी कोशिश होती है कि हम और मौजूद पर भी बात करें मगर जो हमारे वही देरीना मसाइल हैं वही गहरे से गहरे होते जा रहे हैं तो बहरहाल हम उसी पर अभी बात करेंगे आज के शो में भी मेरे साथ इस वक्त वीडियो लिंक पर वर्चुअल स्टूडियो में ब्रस्टर हमीद बछानी जुड़े हुए हैं डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया बताइए मैंने कहा अर्ज़ किया कि कोविड नाइन्टीन का ज़माना दुनिया बदल रही है और पता नहीं कोविड नाइन्टीन कब ख़त्म होगा और किस तरह की दुनिया बाद में बनती है लेकिन हमारे जो दरना मसाइल हैं ख़ास पर जिस इलाके से आपका तल्लक है गल, आ, कश्मीर गिलगत बल्तिस्तान साउथ एशिया वो मसाइल और गहरे से गहरे होते जा रहे हैं आप भी ऐसा ही महसूस करते हैं जैसा मैं और बहुत सारे लोग महसूस करते हैं कि हमारा जैसा कि आपने कह दिया कि मैज़ एक इलाके से ताल्लुक होने की वजह से जिसको आप कह सकते हैं ना मसाइल का गढ़ कि एक मसले से कहीं हजारों मसले जो हैं वो जुड़े हैं और एक मसला ख़त्म होता है तो उसके वतन से जो है वो दूसरा मसला जन्म लेता है तो इस हिसाब से ये बड़ी हम लोगों की एक अनफॉर्चुनेट सी सिचुएशन है मुझे इस पे एक बल्कि मुझे एक लतीफा याद आया कि वो एक जगह पे आदमी मुझसे तो मैंने कहा जी वो कहते जी वो हैं जब कश्मीर पहले की। कहीं कहते हैं जी हम पाकिस्तानी हैं कुछ कहते हैं आजाद कश्मीरी हैं तो आपकी आइडेंटिटी तो आप तो 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 थी, थी उस इलाके की जहाँ पे मैं पैदा हुआ ये पुंछ का नाम आपने कृष्ण चंद्र वगैरह के हवाले से सुना होगा पुंछ बड़ी एक हिस्टोरिकल किस्म का तो इस तरह मैंने कहा उस वक्त हमारी एक आई ये थी और दूसरी आई ये थी कि हम हिंदुस्तानी हैं तो फिर जो है उस पर कश्मीर जो है उसकी एक शक्ल बन गई 1846 में तो वो जाके रियासत जम्मू कश्मीर बन गई जिसमें कि वो पुंछ भी आ गया तो पुंछ उसमें दाखिल होने की वजह से मैं भी कश्मीरी बन गए कोई <laughs> किसी ने मुझसे पूछा हो या ना पूछा हो अब 47 तक ये मामला चलता रहा 47 में आके आप लोगों ने ये जो खेल खेला सगीर में उसकी वजह से पुंछ जो है वो चला गया पाकिस्तान के पास तो मुझ से किसी ने पूछे बगैर मेरे मत्थे पे जो है पाकिस्तानी का जो है वो टीका लगा दिया और जो कुछ उधर के कश्मीरी थे उन पर वो हिंदुस्तानी हो गए तो अब ये हमारी अभी तक ये, ये अनरिजॉल्व किस्म के हमारे आइडेंटिटी क्राइसिस हैं क्योंकि ये जो आपने टॉपिक रखा है इसका भी इसी के साथ जुड़त है कि ये देखें गलगिर बल्तिस्तान की बात, बात चूंकि वो आप सवाल करेंगे मैं उस से बात लेकिन ये देखें हमारे जो मसले हैं उनका हाल किस चीज उसका मसला किस चीज़ से जुड़े हैं वो है जो डिस्प्यूटेड है हम तो जब तक डिस्प्यूट ख़त्म नहीं होगा उस वक्त तक हमारी आइडेंटिटीज़ जो हैं वो भी मुकम्मल नहीं होंगी अब देखें अब हम कहते हैं जी कि अब मेरी लेटेस्ट आइडेंटिटी आजकल जो है वो है आज़ाद कश्मीरी लेकिन उस पर हिंदुस्तान का दावा है हिंदुस्तान कहता है नहीं जी ये तो हमारा हिस्सा है और इस पर तो आप लोगों ने ना पाकिस्तान ने नाजायज़ कब्जा किया हुआ है तो ये इसको छोड़ेंगे अब हम लोग जो है वो इंतज़ार में बैठे हैं कि भाई वो छोड़ेंगे या ये छोड़ेंगे आखिर कब तक हमारे साथ जो है सिलसिला रहेगा देखिए ये तो अपनी जगह पे गंभीर दास्तान है अभी एक कोर्ट ने बशानी साहब कहा कि गिल्कत बल्तिसान को आ, शायद इंडिपेंडेंट सूबा बनने के बजाय पाकिस्तान का सूबा बनना चाहिए उसमें भारत ने ऑफ कोर्स एतराज किया गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से हम कम सुनते हैं कश्मीर के हवाले से ज़्यादा सुनते हैं अगरचे रियासत जम्मू कश्मीर का हिस्सा है गिलगित-बल्तिस्तान भी मगर आज मैं ख़ास तौर पर आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो कोविड नाइन्टीन के ज़माने में ये कॉन्ट्रोवर्सी ज़्यादा फैलती चली जा रही है गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से इसका क्या कोविड नाइन्टीन से तल्लक है या फिर इसका एक अपना हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव है या फिर ये क्या अमेजा क्या है ये मिक्सचर क्या है नहीं कोविड तो से इसका सिर्फ इतना ताल्लुक है सर कि ये चूंकि बाकी खामोशी है पॉलिटिक्स हो नहीं रही है तो जहाँ कहीं भी छोटी मोटी कोई पॉलिटिकल बात होती है तो वो आपको बहुत ज़्यादा ऊंची सुनाई देती है गलगित बल्चिस्तान का इशू तो खैर बहुत अरसे से है पुराना है और आपने सुना नहीं आइंदा आप सुनेंगे अब जो है आने वाले वक्तों में जिस तरह आप कभी कश्मीर कश्मीर का लफ्स जो है वो सुनते थे इसी तरह आपको गलगित बल्तिस्तान का लफ्स बार बार सुनाई देगा तो इस हवाले से जो आपने अभी कोर्ट का डिसीजन किया ना इसी रेफरेंस में मैं थोड़ा सा आपको ले जाऊं कि ये एक बड़ी ट्रेजिक किस्म की हिस्ट्री है जिसमें कोर्ट्स पाकिस्तानी कोर्ट्स ने कई डिसीजन किए हैं और आज़ाद कश्मीरी कोर्ट्स ने डिसीजन किए हैं गलगत बल्तिस्तान के बारे में बुनियादी तौर पर थोड़ा सा हम अपने जो सामयीन हैं ऑडियंस हैं उनको बैकग्राउंड देने के लिए इसकी वजह ये कर देंगे गलगित बल्दिस्तान भरी पूरे रियासत जम्मू कश्मीर में बहुत ही इम्पॉटेंट किस्म का एक पीस ऑफ लैंड और एक पापुलेशन है इंपार्टेंट एक किस हवाले से कि हिस्टोरिकली इसकी जो इम्पॉटेंस रही है इसके जो लोकेशन है स्ट्रेटिक लोकेशन की वजह से और जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक ऐसी लोकेशन पे गलगत बल्तिस्तान वाक़ है कि एक तरफ तो उसका जो सहरा दें हैं वो चीन से मिलती हैं दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ शायर है उसका तल्लक है तीसरी तरफ हिंदुस्तान के साथ और ये जो हिस्टारिकली एरिए हैं इनके साथ जुड़े हुए इसमें इन तीनों कोवतों का अपना अपना क्लेम है इंडिया और पाकिस्तान का 47 से और चीन का जो है वो बाद इलाकों पे 47 से भी पहले की और उसकी वजह ये थी कि ये इलाका जो है ये अंग्रेज़ों के ज़माने में जाहिर है इससे भी ज़्यादा इंपॉटेंट था चूँकि अंग्रेज़ों के ज़माने में जो आखिरी बड़ी गेम थी जहाँ से ये पूरी गेम स्टार्ट हुई ये रूस की वजह से था जो है वो आगे की तरफ बढ़ रहा था तो उनको ये नज़र आ रहा था कि ये एक लिंक है सोवियत uh, यूनियन को अगर जो मिल गया तो इसका फिर बर रास्त जो है वो ताल्लक़ जाके इंडिया से मिल जाएगा इस हिसाब से उन्होंने बहुत पहले ये मनसूबाबंदी की हुई थी सोवियत uh, यूनियन को कंटेन करने के लिए इवन अठारहवीं सदी के आखिर में वो उस इलाके को इस तरह मार्क कर चुके थे कि ये इंडियन सब कंटिनेंट में एक इम्तई इम्पॉटेंट तरीन इलाका है यही वजह है कि अंग्रेजों ने उसको बिल्कुल डिफरेंटली डील किया मसल उन्होंने इसको एक एजेंसी बनाया आपने सुना होगा गलगीत एजेंसी और उन्होंने महाराजा हरी सिंह चूंकि हिस्टोरिकली छोटी जो है वो 1846 के बाद ये रियासत जम्मू कश्मीर के इलाका था जो कि महाराजा गुलाब सिंह ने रियासत बनाई थी उसमें ये सारे छोटे मोटे इलाके शामिल करके जिसमें गलगित बल्तिसान भी था लेकिन अंग्रेजों ने इसको लीज पे महाराजा इसको लीज पे लेने की क्या जरूरत थी पूरे अंग्रेजों ने लीज पे लिए हुए थे रीड और रिसर्च है उसकी वजह यह थी कि वो इस इलाके इस के हवाले से किसी पे भी एतवार करना नहीं चाहते थे ना महाराजा हरि सिंह पे ना चीन पे ना वहाँ की लोकल पॉपुलेशन पे लिहाजा उन्होंने इसको अपने डायरेक्ट जो है वो कंट्रोल में लिया हुआ था अब बाद में जब 47 में ये हालात पैदा हुए बर्रगीर की पार्टीशन आई तो उस वक्त उन्होंने इसको वापस महाराजा हरी सिंह को दे दिया कि भाई हमारी लीज़ हम जा रहे हैं ये लें आप अपना इलाका जिसकी वजह से वो कश्मीर में फिर जो लड़ाई जो हम कहानी दर्दनाक सुनाते रहते हैं हो गई इसी तरह गलगत बल्दिस्तान में भी हुआ और ये तकसीम हो गया अब ये तकसीम होने की वजह से जो गलगत बल्तिस्तान का इलाका है ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म का चैप्टर ऑफ हिस्ट्री है कि इसको एक्सप्लोर किया जाए कि इसकी मौजूदा शक्ल कैसे बनी इसके लिए तीन डिफरेंट किस्म के नरेटिव्स हैं एक नरेटिवस वहाँ के मकामी लोगों का है जो ये कहते हैं जी कि हमने तो ख़ुद जो है उस वक्त महाराजा के ख़िलाफ़ बगावत कर दी थी और उसका जो गवर्नर था घनसारा सिंह उसको निकाल के तो हमने जो है ये आज़ादी ली थी तो हम तो आज़ाद लोग थे तो हमारा मकसद तो यहाँ पे एक आज़ाद रियासत बनाना था दूसरा नैरेटिव ये है कि जो वहाँ पे अंग्रेज़ जो फ़ौजी ऑफिसर तैनात थे उनकी मदद से कुछ दूसरे लोगों ने एक्स मिलिट्री जो अंग्रेज़ों के मिलिट्री में थे और कुछ इस तरह उन्होंने मिल तो वहाँ से पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया और तीसरा वर्षन जो है वो है आज़ाद कश्मीरी लोगों का चूँकि आज़ाद कश्मीर में जो रियासत उस वक्त बनी थी उसको वो कहते थे कि ये सारी रियासत जम्मू कश्मीर की नुमाइंदा हुकूमत है इसलिए गलगित बल्तिस्तान भी हमारी अमलदारी में है तो उस इस वर्षन को पाकिस्तान की गवर्नमेंट की हमायत भी हासिल थी चूँकि है पाकिस्तान की गवर्नमेंट की उस वक्त कश्मीर के बारे में शुरू शुरू में राय ये थी कि ये जी गवर्नमेंट जो है ये एक खुद रो किस्म की गवर्नमेंट है जो खुद यहाँ के लोगों ने बनाई हम तो सिर्फ इसकी अखला की सपोर्ट कर रहे हैं जैसे आजकल कहा जा रहा है कि कश्मीर में जी जो कुछ हो रहा है वो तो लोकल है हम तो सिर्फ उसकी अखला की ओर मारल मदद करते हैं लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है ये जो सारे नैरेटिव्स हैं इसमें कुछ परसेंट सच्चाई ज़रूर है चूँकि हर नरेटिव उस ज़माने में जो है चूँकि कम्युनिकेशन बहुत कम थी लोगों का एक दूसरे के साथ रास्ता रबता जो है बड़ा मुश्किल था गलगत बल्दस्तान का रास्ता बहुत दुशवार गुजार है और कश्मीर के साथ डायरेक्ट जो उसका लिंक है वो बहुत ज़्यादा सख्त मौसम और इंतई दुशवार गुजार पहाड़ और इस तरह के रास्ते हैं तो जाहिर है कम्युनिकेशन इतनी क्लियर नहीं थी तो कई चीज़ों पर मिसअंडरस्टैंडिंग भी बहुत थी और कई नेरेटिव ऐसे थे जो एक इलाके से दूसरे तक पहुँचते नहीं थे लेकिन जो डॉक्यूमेंट्री है कि देखें इसके लिए जो डॉक्यूमेंटेशन होती है हिस्ट्री में जब आप इस तरह की चीज़ों को प्रूव करना देखते हैं तो इसके लिए सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट इस वक्त जो हमारे पास लीगली आता है वो उन्नीस का माह कराची है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर के उसको आप एक बुनियादी तौर पे एक बुनियादी डॉक्यूमेंट के तौर पे रख के इस सारी गेम को समझ सकते हैं। वो मायदा क्या था वो पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर हुकूमत के दरमियान ये माह हुआ कि जी आज़ाद कश्मीर के फ़लां फलाँ मामला जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान देखेगी चूँकि उस वक्त तक आज़ाद कश्मीर की हुकूमत और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान कोई रिटन अरेंजमेंट नहीं था कि ये आज़ाद कश्मीर है किस चिड़िया का नाम और इसका पाकिस्तान के साथ तलक क्या है और इन लोगों के पास अख्तियार क्या हैं इसका कोई रिटर्न चीज मौजूद नहीं थी और जाहिर है कि चीजें वर्बल तो तय थी लेकिन रिटर्न मौजूद नहीं थी अब उसमें एक रिटर्न एग्रीमेंट ये हुआ जिसमें आजाद कश्मीर हुकूमत ने अपने सारे अख्तियार जो प्रैक्टिकली कभी उसके पास थे ही नहीं लेकिन थ्योरेटिकली उसके पास थे वो उस उसने हुकूमत पाकिस्तान को दिए उन अख्तियार सबसे बड़ा पहला इख्तियार ये था कि जी आजाद कश्मीर की जो वजारत खारजा है वोमत पाकिस्तान संभालेगी यानी एक्सटर्नल अफेयर्स जो हैं वो आज़ाद कश्मीर से लेके तो हम ख़ुद उसकी देखभाल करेंगे उसके बाद जो है इसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि इस वक्त रेलिवेंट नहीं है लेकिन मैं आपको रेलिवेंट जो बताता हूँ उसमें बड़ा पॉइंट ये था कि गलगित बल्तिस्तान जो है वो डायरेक्ट उसका इंतज़ाम और इंसराम जो है वो हकूमत पाकिस्तान करेगी ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसके अलावा कहीं भी आपको रिटर्न ये नहीं मिलेगा कि भाई ये गलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान के साथ कैसे चला गया या आज़ाद कश्मीर से इसका क्या ताल्लुक था या रियासत जम्मू कश्मीर से उसका क्या ताल्लुक था तो जब उन्होंने ये इख्तियार ले लिया तो आज़ाद कश्मीर हुकूमत का एक्सप्लेनेशन ये था कि जी हमारे पास ना इतने वसाइल हैं और ना हम इस पोजिशन में हैं रास्तों और दूरी की वजह से कि हम गलगत बल्तिस्तान को संभाल सकें इसलिए हमने इसे लिख कर पाकिस्तान को दे दिया इसमें सबसे बड़ी शॉकिंग पॉइंट ये होगा दुनिया के लिए कि वो जो माहा है उसमें गलगित बल्तिसान का कोई फर्द शामिल नहीं है उस माहे पे तीन लोगों ने दस्खत किए दो लोग आज़ाद कश्मीरी हैं और तीसरा जो है वो पाकिस्तान का वजीर बे महकमा है जिन्होंने दस्तखत करके तो गलगित बल्तिस्तान को उठा के पाकिस्तान को दे दिया लें जी ये आपको तोहफा है जहाँ से इन लोगों की इबला और ये सफरिंग जो है वो शुरू होती है और यहीं से उन लोगों को गुस्सा आता है कि भाई ये आज़ाद कश्मीरी कौन थे जिन्होंने उठा के हमें दे दिया मुफ्त दे दिया बेच दिया तोहफा दे दिया लेकिन हु देवर एंड वाई वी वर नॉट कंसल्टेड कि भाई हम क्या चाहते हैं हमने आज़ाद कश्मीर में ही रहना है उधर जाना है जम्मू कश्मीर की तरफ किया तो, तो इन्होंने उनको इस तरह करके तो ब्रैकेट कर दिया कि जी ये इलाके जो हैं ये मुतनाज़ा हैं चूँकि ये रियासत जम्मू कश्मीर का हिस्सा हैं और जब तक रियासत जम्मू कश्मीर का मसला हल नहीं होता उस वक्त तक ये मुतनाज़ा रहेंगे चनाचे उसी वक्त से यानी उन्नीस सौ उनचास से ले कर तो तकरीबन उन्नीस सौ चौहत्तर तक गलगित बल्तस्तान के लोगों को दुनिया का कोई राइट जिसको आप कहते हैं ना ह्यूमन राइट फंडामेंटल राइट सिविल लिबर्टीज़ ऐसी किसी चीज़ का कोई तस्वर तक नहीं था वजह उसकी ये बताई जाती रही कि ये चूँकि मुतनाज़ा इलाके हैं इसलिए हम इनका कोई स्टेटस नहीं है तो इसलिए हम इनको कोई राइट नहीं दे सकते जो कि बहुत ही उल्टी और अनबिलीवेबली कमजोर किस्म का लॉजिक है लेकिन बहरहाल ना वहाँ पे किसी को राइट टू वोट था ना नाक्शन को का कोई तस्वर था ना वहाँ पे कोई बुनियादी इंसानी हकूक जलसे जुलूस किसी तरह यानी टोटल काला कानून जिसको कहते हैं जिस तरह कुछ इलाके पाकिस्तान में अब जाके मतलब इलाका गैर या इस तरह के उन्होंने मर्ज किए ना इस तरह उसको उन्होंने एक टेरिटोरी के तौर पे जिसकी कोई लीगल स्टैंडिंग लीगल स्टेटस नहीं है उसको इस्तेमाल किया और ये जाके 74 के बाद इसमें फिर डिस्कशन शुरू हुई जो आज आप कोर्ट की बात कर रहे हैं और डिस्कशन बस सिर्फ इतनी होती थी कि वहाँ पे हुकूमत जो लोकल एक पॉलिटिकल एजेंट के ज़रिए या किसी भी आम शख्स के ज़रिए चलाई जा रही है उसके खदोहाल क्या होंगे लेकिन उसमें कोई असम्बली नहीं कोई लेजिस्लेशन नहीं कोई लोकल लोगों का राइट्स या उनकी से जो है वो नहीं थी अप टू इवन आप इसको कह सकते नाइनटीन 1999 ये वो दौर था जब ये कोर्स की बात आई कि नाइनटी में जाके तो ये फिर इस पर बाकायदा बहस शुरू हो गई कि भाई ये इलाके जो हैं इसमें इंसान बसते हैं बेशक ये रियासत का डिस्प्यूट रियासत कश्मीर की डिस्प्यूट का हिस्सा ज़रूर है लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं कि आप 200 साल तक अगर कश्मीर आपको नहीं मिलता तो ये इलाके भी इसी तरह होते रहेंगे फिर उन्होंने आस्ता आस्ता इसमें तब्दीली लानी शुरू की जिसमें कुछ कोर्ट्स के डिसीजन भी थे एक कोर्ट खुद आज़ाद कश्मीर कोर्ट का डिसीजन था जस्टिस मोजीद मलिक किया कि ये इलाके है पाकिस्तान तो इनको वापस करे जो कि किसी हाई कोर्ट का एक बहुत बड़ा बोल्ड किस्म का डिसीजन था इसको वर्डिक्ट के नाम से उन्होंने उस डिसीजन पर मुशतम एक किताब भी छापी है जिसमें उन्होंने पूरे लाइल दिए हिस्टोरिकली कि ये रियासत का हिस्सा है उसके बाद जाके 2009 में उनको थोड़े राइट दिए गए कि जी ये जिसको आप कहते हैं 2009 की गलगत बल्तिस्तान का सेल्फ गवर्नेंस आर्डीनेंस जिसमें उनके राइट टू वोट और लजस्लेचर और जो लोकल मुलाजमत हैं और इस तरह की चीज़ों के कुछ हकूक जो हैं वो हुए जो कि पीपल्स पार्टी ने और मैंने पहले भी ये अर्ज किया था कि इस बुनियाद पर बेनजीर के बेन तो 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 वोगते वोगते। इस पर जब वो एग्जाइल में, में थी तो फेस टू फेस उनके इस पर डिगेट हुए कि ये आप लोग गलगत बल्तिस्तान के साथ ये कर रही हैं कर रहे हैं तो उनको थोड़ा सा रियलाइज़ हुआ कि ये तो बिल्कुल ही हम आद कर रहे हैं ये तो ऐसा ही है कि रियासत तो जम्मू कश्मीर डिस्प्यूटेड है तो इंडिया जो है वो जम्मू कश्मीर के इलाके को ना तो इलेक्शन कराने दे ना उनकी कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ना फ्रीडम ऑफ किसी तरह की मोबिलिटी किसी कोई एक राइट भी उनका ना हो और वो उनको लेके बैठ जाए कि जी ये डिस्प्यूटेड इलाके हैं तो आप हमसे क्या बात करते हैं यानी बहुत ही इस तरह का लॉजिक था जिसकी वजह से टू में उनको कुछ हकूक मिले जिसको टू में जिसको आप कहते हैं टू थाउजेंड का आर्डीनेंस जिसके तहत 2018 और 2009 ये दोनों टाइम जो हैं इसमें उनको क्या जरूरत पड़ गई थी एक तो मैंने आपको ये बताया दूसरा ये था कि ये जो आपका सी पैक है सी पैक की वजह से गलगत बल्तिस्तान रियासत जम्मू कश्मीर में अगर पहले इनका कोई कहीं पानी का इंटरेस्ट है कहीं डैम का इंटरेस्ट है कहीं और दूसरे रिसोर्स हैं लेकिन सी पैक के बाद गलगित बल्तिस्तान सब के लिए एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट किस्म का इलाका बन गया लिहाजा पाकिस्तान ने उसी हिसाब से उसमें जो है वो अपने लाज बनाने शुरू किए 2018 का जो आर्डीनेंस था वो उन्होंने किया इस तरीके से कि जी हम यहाँ के लोगों को एमपावर कर रहे हैं ये गलगित बल्तिस्तान की काउंसिल ख़त्म करके तो इसको हम लैजस्लेटिव असम्बली दे रहे हैं इनको राइट टू वोट दे रहे हैं इनकी जुडिशरी और इनका सुप्रीम कोर्ट दे रहे हैं और इनको हम आज़ाद कश्मीर की तरह का ही एक आज़ाद किस्म का इलाका बना रहे हैं जिनके पास सब कुछ अपना होगा लेकिन जो प्रैक्टिकली उस ऑर्डिनेंस को अगर आप पढ़ें तो आपको हैरत होगी कि वहाँ पे घुमा फिरा के तो हर अख्तियार जो है वो फाइनली प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के पास जाता है और यू विल एमेज के ये जो हमारी कहते हैं ना टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन ये एक पुराना कॉलोनियल एक जो है एक तरह का चीज़ है कि आपको जहाँ पेगी नहीं है वहाँ पे आप जो है वो टैक्स पे कर आप आप तो तो होगा जो कि आपको पता है कि पाकिस्तान में आइन की तरमीम के बाद यह इख्तियार खुद पाकिस्तान के अंदर जो है वो प्राइम मिनिस्टर को हासिल नहीं है लेकिन गलगित बल्तिसान में उन्होंने कैसे यह हासिल कर लिया जिसका ताल्लुक़ ज़ाहिर जाकर सी पैक से बनता है उसके बाद लैंड एक लामहदूद इख्तियार जहाँ पे जिस तरीके के जो फैसिलिटी की हमें ज़रूरत है वो हमें ले सकते हैं और वो प्राइम मिनिस्टर ले सकता है और उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता यानी आप गत बल्तिस्तान के कोर्ट्स में जाके उनको चैलेंज नहीं कर सकते और आपकी किसी भी राइट को जो बुनियादी फंडामेंटल राइट है उसको गज़ब किया जा सकता है लेकिन आप उसके खिलाफ कोई आपके कोर्ट्स में जो है वो रेमेडी नहीं है जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का उनको देने की बात है तो उसके साथ साथ ये शर्त रखी गई कि उसका जज जो है वो पाकिस्तान का होगा और गलगत बल्तिस्तान का कोई कानूनदान कोई वकील या जज जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बन सकता यानी उसको उन्होंने बुनियादी तौर पे बाई लॉ ही जो है एक्सक्लूड करके रख दिया तो उसको अगर आप देखते जिस आर्डीनेंस को जिसके इतने बड़े तारीफों के पुल बांधे गए तो वो बुनियादी तौर पे कदीम कॉलोनियलिज्म का एक जदीद यानी उसकी एक री किस्म की और रिफ़ाइंड किस्म की एक शक्ल थी जिसमें पीपल ऑफ़ दैट लैंड और वो इलाका जो लोग थे लोकल लोग उनके तमाम राइट्स को घुमा फिरा के तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के हवाले कर दिया गया तो अब जाके तो उस पर अब ये जब बात आई चूँकि वहाँ पर एक बहुत बड़ी अनरेस्ट और एक ज़बरदस्त किस्म की इसकी अपोजिशन मौजूद है जो अवाम के अंदर जिसकी वजह से लैंड से जुड़े इश्यूज़ पे टैक्सेशन के जुड़े इश्यूज़ से वोट और इख्तियार जुड़े इश्यूज़ की वजह से वहाँ पे कई नौजवान जो हैं इस वक्त जेलों में बंद हैं आपने बाबा जान का नाम सुना होगा उनको एक लंबी जो है वो कैद हुई कि कहीं और इस तरह के नौजवान हैं जिनको जेलों में डाला गया मैज़ इसलिए कि वो इन हकूक़ की बात करते थे या जहाँ पर ज़मीनों पर कब्ज़े हो रहे थे उसकी ओपोजिशन कर रहे थे तो उनको इन्होंने बुनियादी तौर पर टैर्रिज़म और इस तरह के दफ़ात लगा के जो है वो चुप करा दिया अब जाके तो ये जो आपने कहा ना जी पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन किया कि जी आप वहाँ पर एलेक्शन कराएँ और बुरी हुकूमत बनाए और ये उन्होंने इसलिए कहा कि जी ये जो अठारहवा जो आर्डीनेंस था 2018 का इसमें इसका कोई ज़िक्र नहीं था तो इसलिए उन्होंने ये हुक्म दिया कि आप ये ये चीज़ें सेटअप करके तो यहाँ के लोगों को हकूक़ दें तो पाकिस्तान का ये बराबरी का मतलब ये है कि ये पाकिस्तान का हिस्सा है असल में इसमें प्रॉब्लम ये होता है ना कि जिस तरीके से इसको डील किया जाता है मसल वहाँ उन्होंने जो लैंड गल्तिस्तान की लैंड जो है जैसा कि आपको पता है ना कि पहले पूरी रियासत जम्मू कश्मीर में महाराजा हरी सिंह के ज़माने से एक कानून था कि यहाँ पे कोई बाहर से आके ज़मीन नहीं खरीद सका सकता जिस पे ये जो इतना शोर पड़ा है जो 35 ए रिमूव हुआ है ये 35 ए असल में वही महाराजा हरी सिंह के उसको प्रोटेक्ट करने के लिए था इसी तरह गलगित बल्तिस्तान में भी था जो बहुत पहले नाइनटीन से भी पहले जो है प्रैक्टिकली वो पाकिस्तान ने ख़त्म करके तो वहाँ पे ज़मीनें जो हैं उस पर लोगों के गैर जो बाहर गलगित बल्दस्तान से बाहर लोग थे उनको इजाजत दे दी अब ये जाके जो एटीनथ जो आर्डीनेंस था टू का इसमें भी उन्होंने डोमिसल की जो डेफिनेशन की कि गलगत बल्तिसान का सिटीज़न कौन है कि जिसके पास डोमिसल है और प्लस वो लोग हैं जो पाकिस्तान सिटीज़नशिप एक्ट नाइनटीन के तहत पाकिस्तान के शहरी हैं यानी दूसरे अलफाज में पाकिस्तान का हर शहर ही जो है वो गलगत बल्तान का शहर ही है और वहाँ पर जाके ज़मीन ख़रीद सकता है और कारोबार कर सकता है जिसका ताल्लक़ ज़ाहिर सी पैक से जुड़ता है जैसे कि हिस्ट्री में हमेशा इस तरह की कॉलोनियल पावर्स करती रही हैं कि लोकल जो इंडिजनस पीपल होते हैं उनकी ग़ुरबत और उनकी इस तरह के हकूक़ की ना होने की वजह से जो उनकी हालत इज़ार है उससे फ़ायदा उठा के तो वहाँ पर या ज़मीनें खरीदते हैं या तजारत करते हैं और आसा आसा ता कॉलोनीइजेशन का, का एक प्रोसेस जो है वो कम्प्लीट करते हैं तो इस हवाले से वहाँ चूंकि एक कॉन्शियस माइंड जो जो डिवेलप हो रहा था उसको दबाने के लिए और ये चूंकि अब पाकिस्तान के लिए ज़िंदगी और मौत का मसला उन्होंने खुद बना दिया कि गलगत बल्तिस्तान अब हमारी शाह है क्या पहले जम्मू कश्मीर उनकी शाहरा थी जो कि मोदी साहब ने दबाई और कुछ इस तरीके से दबाई के किसी की समझ में नहीं आया कि शाहराख किधर गई तो अब उन्होंने गलगित बल्तिस्तान को शारख डिक्लेयर किया और सारा फोकस उस पे है लिहाजा वहां पर जो कानून साजी भी हो रही है ख्वाह ये कहा जा रहा हो कि यहाँ के लोगों को आप पाकिस्तान के बराबर हकूक दें या उनके जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करें कुछ करें वो घुमा फिरा के तो कोई ना कोई ऐसा इख्तियार लेना होता है जिसकी वजह से अगर फ्यूचर में वहाँ पे कोई बगावत होती है एहताज होता है जिसके लिए अंदर ही अंदर लावा पक रहा है क्योंकि लोग वैसे ही पैमाने पर नाराज़ हैं कि ये हमारे साथ हो क्या रहा है कभी उनको ये कहा जाता है जी कि हम आपको हक इसलिए नहीं दे रहे कि ये मसला कश्मीर पे असर पड़ेगा जब वो उनको मसाल देते हैं कि अगर मसला हक़ लेने से मसला कश्मीर पे असर पड़ता है तो फिर तो जम्मू कश्मीर और आज़ाद कश्मीर के लोगों ने तो बहुत बड़े बड़े हक लिए हुए हैं उनके तो अपने सुप्रीम कोर्ट भी हैं हाई कोर्ट्स भी हैं इसम्बलियाँ भी हैं वज़राजम भी हैं सब कुछ है तो वो उनकी वजह से असर नहीं पड़ा तो हम अपना राइट मांगते हैं तो आप कहते हैं असर पड़ता है कभी उनको कहते हैं कि नहीं जी आपको अगर ये दे दिया तो इसकी वजह से फलां नाराज़ हो जाएगा अभी रिसेंटली उनको ये बताया जा रहा था कि आप लोगों को हक़ूक़ इसलिए नहीं मिल रहा है कि आज़ाद कश्मीरी नहीं मानते जैसे कि पाकिस्तान हर काम आज़ाद कश्मीरीओं के पूछने से करता है तो ये सिचुएशन है जनाब जो कि बड़ी ट्रैजिक है और इसमें जो कोर्ट्स हैं वो सारी गेम्स प्ले करते हैं मैंने जैसा कि अर्ज़ किया गालिबा ये आपके चीफ़ जस्टिस साहब जो थे साकब नसार साहब जिन पे आजकल गबन और पैसे खुरद बुर्द करने का इल्ज़ाम है बाहर और यहाँ कनाडा से भी आपने सुना था कि वो पैसे लेके गए लोगों से तो उन्होंने ये डिसीजन किया था टू में जिसमें कि उन्होंने अदालती ज़बान में एक एजेंडा जो था कि तमाम तरह उनके डिनाई करके तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के हाथ में दे दिए जाएं और ये कहा कि जी हम कौंसिल ख़त्म कर रहे हैं और फलां ख़त्म कर रहे हैं और वहाँ पे लेजिस्लेटिव असम्बली का नाम जो है वो चेंज करके तो सिर्फ़ असम्बली रख लिया है तो इस वजह से उनको पता नहीं क्या इख्तियार मिल गया तो ये जो है ये मैं समझता हूँ कि अब ऐसा वक्त आ गया है कि वो इसको मज़ीद प्रोलॉन्ग कर नहीं सकते इसलिए वो अब खुल के सामने आएंगे और ये मैं आपको बता दूँ क्लियरली जी विशा जी जी आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि सूरत हाल वैसी ही लग रही ही है और जो सूरत हाल है कोर्ट की कोर्ट की एक मैनिपुलेशन है वो ज़ाहिर है पाकिस्तानी इस्टेबलिशमेंट पीछे होती है लेकिन आपको फ्यूचर क्या नज़र आता है इधर भारत ने एक बार फिर सख्त रवैया अख्तियार करते हुए कहा कि ये रियासत जम्मू कश्मीर का अठोट अंग है और गिलगत बल पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा है यानी उन्होंने ये भी कहा कि हती के पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर भी हमारा हिस्सा है ये बात खैर पाकिस्तान भी करता है मगर सी पैक की वजह से और चाइना की भी इन्वॉलमेंट है चाइना भी थर्ड पार्टी है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में उसकी वजह से और फिर ये जो कोविड नाइन्टीन का इंटरनेशनल प्रेशर माउंट हो रहा है अगेंस्ट चाइना उसकी वजह से क्या कोई चाइना आपको लगता है कि कोई ऐसा किरदार वहाँ पे अदा करेगा चूंकि अब तक तो चाइना कभी करता है कोई किरदार अदा कभी नहीं करता बोलने की हद तक उसका किरदार ज्यादा रहता है मगर क्या आपको लगता है कि गिलगत बल्तिसान में कोई फैसला कन काम होने जा रहा है आइंदा कुछ आ, महीनों में या सालों में बिल्कुल जनाब ये हंड्रेड परसेंट श्योर है कि फैसला कन काम होने जा रहा है और उसकी तो आपने खुद बयान कर दी चीन जो है ये कोई थर्ड पार्टी नहीं है इस डिस्प्यूट में चीन इसमें अब जो है अपने मफादात के हवाले से फर्स्ट पार्टी है ये मैं आपको बता दूँ और उसकी दो वजूहत हैं एक तो ये है कि अब सिक्सटी बिलियन अरवाटा और ये बेल्ट एंड रोड का जो मनसूबा है उसका स्टार्टिंग पॉइंट ही जो है वो गलगत बल्तस्तान है अब एक हवाले से चीन का अब इंटरेस्ट जो है अपना वेस्टेड इंटरेस्ट वहाँ पे है पहले भी था जाहिर है लेकिन अब चूंकि उन्होंने उस पर पैसे भी लगाए उन्होंने तो खैर आज़ाद कश्मीर के अंदर भी जो है वो डैम बनाने में और इधर उधर इन्वेस्टमेंट की हुई है लेकिन गजलियत बल्तस्तान तो बहरहाल एक स्टार्टिंग पॉइंट है नंबर वन नंबर टू चीन के पास जो है वो रियासत जम्मू कश्मीर का एक बहुत बड़ा इलाका है जिस पे आधे पे या तो वह नाजायज़ का है या फिर उसको जो इलाका पाकिस्तान की तरफ से खुद दिया गया जो कि ज़ाहिर है कश्मीरी उसको कंटेस्ट करते हैं और उस बुनियाद पे हिंदुस्तान जब ये दावा करता है कश्मीर हमारा हिस्सा है तो फिर उन इलाकों पर भी हिंदुस्तान का जो है वो दावा बनता है तीसरी चीज़ जो है वो ये नहीं है कि हिंदुस्तान का जो जहाँ तक ये कहना जी उन्होंने तो नाइन्टी फोर में गालिबा वहाँ की पार्लियामेंट ने भी ये क्रारदाद पास कर दी थी कि आजाद कश्मीर और बल्तान हमारा हिस्सा है इकदाम करें लेकिन इसमें मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ कि हिंदुस्तान का जो स्टेचर और ताकत है उसको सामने रखते हुए अगर वो ये इलाके लेना चाहें तो बड़ी आसानी से ले सकते हैं ये मैं आपको बता दूँ यानी जिसको वो कहते हैं ना जिंदा या मुर्दा किसी न किसी हालत में वो उसको ले सकते हैं और इसमें कोई मसला नहीं है लेकिन ये है कि मैं नहीं समझता कि वो वो भी इसको सिर्फ इस तरीके से देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान क्लेम कर रहा है गुजशत सत्तर साल से जी कि रियासत जम्मू कश्मीर हमारा हिस्सा है और हम इसको ले के छोड़ेंगे तो नतीजा आपने देख लिया कि कितना एक लिया हुआ है तो इसी तरह हिंदुस्तान भी उसको कर रहा है और मेरे नज़दीक ये हिंदुस्तान के लिए कोई बहुत ज़्यादा इम्पॉटेंट इलाके भी नहीं हैं किसी भी अतबार से कि जिसकी वजह से उनका कोई काम रुका हो या ये मिलने की वजह से उनके काम में कोई बहुत बड़ी आ, कोई इजाफा हो जाए ये जस्ट एक आप यूँसा मिलें कि एक किस्म का एक चीज़ है और इसके कुछ मायने हैं जब आप सिंबॉलिकली इसको यूज करेंगे तो इसका मतलब ये है कि पार्टीशन के वक्त कुछ ऐसे मामला जो हुए वसूली जो उस पर एक मौका था कि ये इलाका गलती से चला गया या हमारा हिस्सा है उसको वापस किया जाए तो उसमें एक कंटिन्यूटी जो है वो है लेकिन जहाँ तक गलगत बल्तस्तान का ताल्लुक है मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान ये समय रहा है कि इस वक्त उनके पास ये एक सुनहरी मौका है कि चूंकि हिंदुस्तान ने जम्मू कश्मीर को मर्ज कर लिया अब वो एक यूनियन टेरिटरी है कश्मीरियों की तरफ से उसको एक्सेप्ट किया जाए या ना किया जाए लेकिन ये एक इतनी बड़ी हकीकत है जो हम सब के सामने है जिससे ज़ाहिर इनकार करने का मतलब ख़ुद फ्रेबी है तो इसको इससे फ़ायदा उठाते हुए इस वक्त गलगित बल्तिस्तान जो है उसको भी ले लिया जाए पाकिस्तान के जो पॉलिसी मेकर्स हैं और जो पीछे बैठे हुए डिसीजन मेकर्स हैं उनकी ये राय है तो उस सूरत में उनका ख्याल है कि इस पर कोई बहुत बड़ा रद्द अमल नहीं होगा लिहाजा ये इस पर कुछ करेंगे और इस पर कुछ ज्यादा लंबा अरसा नहीं लगेगा ये मैं आपको बता दूँ जरूरी नहीं कि वो को बहुत इसको सुबह डिक्लेयर कर दें या कोई इस तरह की टेरिटोरी बना दें वो इसको इस तरीके से करेंगे जैसे जैसे सत्तर साल से करते हैं। लाके 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 तो 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 टैक्सेशन तक के इख्तियारत उनके पास हैं लोगों को बुनियादी इंसानी हकूक़ डिनाई करने के तक के इख्तियार हैं तो वहाँ पर मतलब है कुछ दो चार चीज़ें और डाल देंगे तो उससे क्या जो है वो फ़र्क पड़ेगा बाई द वे इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि जो अठारहवीं तरमीम के तहत पाकिस्तान के सूबों को जो इख्तियारासिल हैं वो भी वो गलगित बल्तस्तान के लोगों को देने के लिए तैयार नहीं इसलिए उन्होंने 2009 में भी और 2018 में भी जो उनको वो दिया उसमें से उन चीज़ों को उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया जिसमें फ़ंडामेंटल राइट्स से लेकर फाइनेंशियल चीज़ों तक शामिल है हालांकि उनको उन्होंने कहा कि हम आपको जो है ये मुश्तरकंसल ऑफ कामन इंट्रस्ट और इस तरह की जो कमेटियाँ हैं उनमें एज ए एब्ज़रवर आपको बैठा सकते हैं एज ए एब्ज़रवर जिसका मतलब ये है कि आप ना वोट दे सकते हैं और ना उसमें आपकी कोई तजवीज़ सुनी जा सकती है आप बैठ के सुनते रहेंगे हम वसाइल पाकिस्तान में कैसे बांटते हैं तो ये मैं समझता हूँ कि फ्यूचर का एक बड़ा मसला है जिसके लिए एक मकामी आबादी के अंदर भी काफ़ी बड़े पैमाने पर अनरस्ट जो है वो मौजूद है अच्छा साहब अब आखिर में हम उस सूरत हाल को एक बार फिर डिस्कस करेंगे क्योंकि हर हफ्ते कश्मीर के दोनों तरफ टेंशन बढ़ती चली जा रही है रमज़ान का भी महीना है कोविड 19 का भी चैलेंज है तो को होती है कि रमज़ान के महीने में वैसे ही पीस होगा और कोविड 19 तो पूरी दुनिया पर एक वबा ही नहीं बल्कि एक उफ्ताद है तो इसके बावजूद ये टेंशन बढ़ रही है और भारत का मुसलसल कहना होता है कि पाकिस्तान का इसमें मेन किरदार है हमें डिफेंसिव होना पड़ता है तो आप इस आर्गूमेंट को और इस सिचुएशन को कैसे देखते हैं देखें जी ये तो हमने पहले भी बात की थी कि देखें तीन बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं जिन पे टेररिज्म के चार्जेस हैं और इंटरनेशनली बैंद हैं जैश ए मोहम्मद हो गई लश्कर तैयबा और हिजबुलमजाहिदी अब तीनों के मैंने आपको बताया था कि गुजशत पाँच छः महीने में हर रोज़ इनके कोई ना कोई लोग जो हैं वो मारे जाते हैं जिसका मतलब ये है कि मिलीटेंसी इस माहौल में अपने पीक पे है आपने गुज्त हफ्ते देखा था कि वहाँ कुछ इंडियन आर्मी ऑफिसर्स भी मारे गए जिसमें एक कर्नल और गालिबन एक मेजर और इस तरह के एक और रैंक के ऑफ़िसर शामिल थे इस तरह मिलीटेंट मारे गए उसी झड़प में अब आपने ये देखा कि हिजबुल मुजाहिदीन का जो कमांडर था ये जो नायको वो उस पर वो मारा गया एक झड़प में तो इस हवाले से वहाँ पे एक अनरेस्ट मौजूद है जो कि ऐसे हालात में एक समझने की बात है कि ऐसे हालात में ये अनरस्ट कैसे मौजूद है कि जब के आप एक तरफ तो कहते हैं जी कि मकम्मल लॉकडाउन है और लोगों को अपने घरों से ही नहीं निकलने दिया जाता एक कर्फ्यू की सिचुएशन है तो उस सूरत में इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ हैं इतने पैमाने पर मिलीटेंसी तो वो एक हल्के फुल्के अंदाज़ में बड़े अरसे से रही लेकिन जिस तरीके से अब उसने ये जो है वो बड़ी है ये मेरे लिए एक अजीब बात है इस सेंस में कि अब पाकिस्तान की तरफ से ये कहा जा रहा है रिपीट कि जी हम वहाँ पे मिलिटेंसी को सपोर्ट नहीं करते ये बात बिल्कुल सेंटेंस ये बोला जाता है लेकिन पाकिस्तान के जो रूलिंग एलीट है उसके हर बयान में जो है वो आग छिड़कने के अलावा और कुछ होता नहीं है कि यानी जब आप ये कहते हैं कि जी हिंदुस्तान ने वहाँ पे कब्ज़ा किया हुआ है बेगना लोगों को मार रहा है हर रोज़ वहाँ पे जो है वो दो चार बेगना लोग मर जाते हैं ब्रूटेलिटीज uh, हो रही हैं सब कुछ हो रहा है तो आखिर में आप ये कहें या ना कहें कि मिलीटेंसी होनी चाहिए या नहीं वो तो हो गई ऐसे क्योंकि जब आप एक काम देखें इसमें हमें अब ये समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान इस काज को चम्पियन कर रहा है विदाउट कंट्रीब्यूटिंग एनी थिंग पॉजिटिव चूंकि आप इस तरह की चीज़ों को जब हवा देते हैं तो एक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जो कि किसी वक्त भी कोई खौफनाक टर्न ले सकती है आप किसी इलाके को फोकस करके तो ये कहना शुरू हो जाए कि जी फॉर एग्ज़ाम्पल आप पाकिस्तान में देख लें वजीरस्तान को आप फोकस करके तो हुकूमत हिंदुस्तान या हुकूमत अफ़गानिस्तान रोज कहना शुरू हो जाए कि वजीरस्तान में बहुत बड़ा जुल्म और जबर हो गया है यहाँ पे ये यह हो गया वो हो गया तो वहाँ पे एक सिचुएशन क्रिएट होगी जो बिलाघर जाके जिसको मिलिटेंसी का टर्न भी मिल सकता है अब पाकिस्तान का कश्मीर के बारे में जो स्टैंड है वो ये है कि जी कश्मीर में ये म हो रहा है और हम इस जुल्म का मुकाबला करेंगे इसको एक्सपोज कर रहे हैं और हम इसका हल निकालेंगे लेकिन प्रैक्टिकली वो इसका कोई हल निकालते नहीं नतीजे के तौर पे वहाँ पे इस तरह के नौजवान जो हैं वो घुमराह होकर बंदूकें उठाते हैं अब इसमें ज़रूरी नहीं कि आप उनके हाथ में बंदूक दें जब आपने ये सारा स्टैंड लिया हुआ है जो अल्टीमेटली बंदूक की तरफ जाता है तो फिर उसका नतीजा यही निकलेगा पहले ये था कि पाकिस्तान पे तो ये सीधा सीधा कोई इल्ज़ाम नहीं था बल्कि ख़ुद पाकिस्तान की आईएस्ट जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने तस्लीम किया कि वहाँ पर कश्मीर में हमने बंदूक दी ये ख्वाह जनरल को या बेनज़ीर भोटो जैसी साफ्ट आ, खातून हों उन्होंने तस्लिम किया कि ये हमारी एक डिसीजन था कि कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी को लॉन्च किया जाए अब वो जो मिलीटेंसी लॉन्च हुई सरकारी सतह पर विद द हेल्प ऑफ द फंडामेंटलिस्ट और ये सारे जो ग्रोथ है इनकी वजह से तो उसके जायरा ख़त्म करने में भी फिर इन लोगों का एक रोल तो बनता है ना क्योंकि वो इनके जो रबते हैं और जो इनके सेल हैं वहाँ पे ख़्वा वो लड़ रहे हों एक्टिव हों या इन एक्टिव हों या, या स्लीपिंग सेल हों वो सारे वही हैं वो तो तब्दील नहीं हुए अब अगर मैज़ ये कहने से कि हम जी उनकी सपोर्ट नहीं करते तो जयश महमंद और जो आपकी हिजबल ममजाहिदीन है या लश्कर पा है वो क्या है उसके रूट्स कहाँ पे? बुनियादी तौर पे तो इन सब की लीडरशिप जो है वो पाकिस्तान में है या आज़ाद कश्मीर में है तो लीडरशिप जब आपने यहाँ बैठी हुई है आपकी पनाह में और वहाँ से बैठ के तो वो रबते में हैं और आपने भी ये कई दफ़ा सुना होगा कि हिजबुलमजाहिदीन के कमांडर इन चीफ़ साहब जो हैं वो उन्होंने ये बयान दिया और ये बयान दिया जो पाकिस्तानी अखबार में और सोशल मीडिया पर जो है वो बड़े नुमायाँ तौर पर छापता छापा जाता है तो वो ज़ाहिर उधर भी इसी तरह है जहाँ पर अगर वहाँ इंटरनेट पर पाबंदी होने के बावजूद भी जो दूसरे ज़राए से कम्यूनिकेशन हो रही है वो खुले तौर पर हो रही है तो मैं ये समझता हूँ कि ये देखें अफ़गानिस्तान की तरह पाकिस्तान का एक बहुत अरसे तक ये स्टैंड रहा है कि जी हम अफ़ग़ानिस्तान में हमारा कोई हाथ नहीं है ये जो कुछ तालबान कर रहे हैं ये जो कुछ वहाँ पर तशद खून ख़राबा हो रहा है इसमें हमें तो कोई रोल ही नहीं हमारा और फिर एक वक्त ऐसा आया कि इन्होंने ख़ुद ये डिक्लेयर किया कि सारा रोल ही अफ़गानिस्तान में हमारा है वहाँ मजाक कौन कर रहा है हुकूमत किसकी बन रही है किन किन चीज़ों पर समझौता हो रहा है अमरीका के साथ जो है मजाक कौन कर रहा है ये सब हम करा रहे हैं चूँकि हमारा एक इन्फ्लुंस है जो हम इसको एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ये पर इस तरह की एग्जैक्टली exactly सेम चीज़ जो है वो कश्मीर में है कि जी वहाँ पे जो मिलिटेंसी हो रही है उसमें हमारा कोई हाथ नहीं है मैं आपको पूरे दावे से कहता हूं कि पाकिस्तान अगर आज चाहे तो विद इन ए मंथ वहां पर टोटल मिलिटेंसी फॉर एवर ख़त्म हो सकती है क्योंकि उस मिलिटेंसी का बेस दो है एक इस्लामिक फंडामेंटलिज्म और दूसरा पाकिस्तान और पाकिस्तान इसको मजीद मसलन वहाँ एक नारा लोगों का है जी कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और हम इसलिए लड़ रहे हैं कि हम मुसलमान हैं और पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं तो उसमें पाकिस्तान का स्टैंड जो है वो बड़ा इम्पॉटेंट है कि लोगों को बताया जाए कि भाई आप जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क के साथ वफ़ादारी करके वहाँ अपनी आज़ादी की अपनी खुद मुख्तारी की और अपने इंसाफ की लड़ाई लड़ें और पाकिस्तान इस तरीके से इसको ख़त्म कर सकता है लेकिन ऐसी बात है नहीं पाकिस्तान के लिए वो असासे हैं और ये जो कुछ होता है कि वहाँ पे हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर जो है वो अगर पकड़ा जाता है या मारा जाता है तो उसी दिन जो है वो सरहदों पे गोलाबारी भी इंटेंसिफाई हो जाती है तो इसका आपस में कनेक्शन है या नहीं है ये आपके सामने बशंक साहब आपने अपने शो थर्ड ओपिनियन में जो आखिरी जुमले कहे कि अगर पाकिस्तान चाहे तो एक महीने में ये मसला हल हो सकता है क्योंकि बदकस्मती से ये सारे का सारा मसला इस्लामिक इस्लामिक्सट्रीमज़म और पाकिस्तान की इस्टबलिशमेंट की जूट के साथ जुड़ा हुआ है तो मैं थर्ड ओपिनियन में जो आपका ये जो आखिरी जुमला है इसको मैं फ़र्स्ट ओपिनियन के तौर पर भी लेता हूँ और सेकेंड ओपिनियन के तौर पर भी लेता हूँ और शायद फ़ाइनल ओपिनियन के तौर पर भी लेता हूँ मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि आज आपने वक्त निकाला और कोविड नाइनटीन के ज़माने में जब दुनिया अपने मसाइल को हल करने के लिए कोई वक्त नहीं निकाल रही मगर हमें तो अपनी राय देने के लिए वक्त निकालना है बहुत शुक्रिया बशानी साहब व्यूज आपने ब्रिस्टर हमीद बशानी साहब की थर्ड ओपिनियन में वाज तौर पर राय सुनी अगले हफ्ते हम उनकी फिर राय लेकर थर्ड ओपिनियन में हाजिर होंगे आज का तजिया देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया सब्सक्राइब टैग टीवी YouTube चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन button.